सफलताओं में शिक्षक का अलग अलग शिक्षकों का हाथ होता है, वो नर्सरी से लेके हमें पूरे हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं। आज के दिन हम अपने सभी शिक्षकों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं जिन्होंने हमको इतना पढ़ाया लिखाया, जो आज हमको काबिल बनाया। उन सभी शिक्षकों को हमको कहते हैं, बहुत सारे शिक्षक हमारे बीच हैं और हमारे बहुत सारे शिक्षक अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उन्हें स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ धाम में स्थान दे, जिन्होंने बहुत ही लगन से मेहनत से पढ़ाया था। वो दौर जब हम लोगों का था तो एक शिक्षक के प्रति बड़ा एक डर रहता था, जैसे स्कूल या कॉलेज के ग्राउंड में टीचर्स को देख लेते थे, डर जाते थे लोग। बट आज के वक्त में हम देख रहे हैं धीरे धीरे इस चीज का नैतिक पतन होते जा रहा है। भारत में शिक्षकों की या शिक्षा की बहुत पुरानी परंपरा, ये हमें विश्व गुरु कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये विश्व गुरु का मतलब क्या होता है, ऐसे भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, तो आप एक एग्जाम्पल से समझिए। हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय 94 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। 1994 में शर्मा भारत से आधिकारिक दौरा पर ओमान गए। ओमान की राजधानी मस्कत पर जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का हवाई जहाज लैंड किया तो ओमान के जो किंग थे, वहां के राजा, वो कभी किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं जाते। ये प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून होता है, किसी देश के राष्ट्रपति वगैरह नहीं जाते जब तक कोई बहुत खास मेहमान नहीं आ जाता। और लेकिन वहां पर किंग जो है वो प्रोटोकॉल तोड़ दिए, और अमूमन अगर कोई प्रोटोकॉल तोड़ के आता भी है तो वो रिसीव करने के लिए नीचे खड़ा रहता है और राष्ट्रपति खुद उतर के आते हैं। लेकिन ओमान के राजा के यानी ओमान के किंग के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अभी हवाई जहाज में बैठे ही थे तो ओमान के किंग सीढ़ियों से चढ़कर खुद गए और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके सीट के पास से जाकर रिसीव करके उन्हें लेकर आए थे। जब ड्राइवर्स और बॉडीगार्ड ने उनको कहा गाड़ी में बैठे तो वहां के किंग ने ड्राइवर को हटाकर खुद ड्राइव किए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के गाड़ी को, हमारे राष्ट्रपति साहब के, और उन्हें इतना इज्जत दिया गया था जो इससे पहले ओमान में किसी विदेशी गणमान्य को ऐसी इज्जत नहीं मिली थी। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आखिर शंकर दयाल शर्मा में ऐसा क्या खास है जो आपने इतने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए, आज तक किसी राजा या किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इज्जत नहीं मिली, तो ओमान के किंग ने कहा कि जब मैं स्टूडेंट था और भारत में पढ़ाई कर रहा था तो उस समय पुणे में जब उनकी पढ़ाई चल रही थी ओमान के किंग के, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वहां पे उनके शिक्षक थे, वो वहां पे प्रोफेसर थे, तो उनका कहना था मैंने किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को वो इज्जत नहीं दिया, बल्कि मैंने अपने गुरु को ये सम्मान दिया, उन गुरु के लिए मैंने इतने सारे प्रोटोकॉल तोड़े। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। प्राचीन काल से आज तक बहुत सारे लोग भारत में आते हैं शिक्षा लेकर, बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं। उसके बाद से अभी तक कई सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के ओमान में गए, लेकिन उन्हें जो प्रोटोकॉल के तहत ही एक सम्मान मिला, वो सम्मान आज तक किसी को ओमान के किंग द्वारा नहीं मिला जो हमारे शंकर दयाल शर्मा जी।